उनके बहुत सारी चीजें हैं, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी तो साथ ही यही लेकिन उसके आगे चीजें हैं। अपना नाम डाल हम भी आज दो तीन साल से अपन सब मिलके झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा ये झंडा है तो हमारा सरना है तो हमारा ये कर रहे हैं। हमें बीच उनका रास्ता, जिस तरीके से कोई धार्मिक संगठन कोई धर्म की स्थापना होती है उसकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है हम अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारा झंडा एक हो, हमारी पहचान एक हो, ये होना चाहिए। और इसलिए अब वो आखिर क्यों ऐसा करते हैं, वो धार्मिक संगठन हमारे में आ जाए ऐसा कह के क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके पीछे साथियों उसके पीछे एक मामला रहता है, इसके पीछे हमारा डेवलपमेंट और विकास भी छुपा हुआ है। हमको लगता है कि यार ये धर्म का आलम मिल गया, और कई इसमें से हमारे बुद्धिजीवी भी बोलते हैं कि यार इससे क्या होने जाने वाला है, इस बात को तो रजिस्ट्रार जनरल ने भी यही बात लिखा। जैसे हम बच्चे हैं, हमारा समुदाय के बुद्धिजीवी बच्चे हैं, ऐसे उन्होंने चिट्ठी में देव कुमार धाम जी के को जो रिटर्न किया उस चिट्ठी में हमारे लालजू भाई वसावा हैं, इनके माध्यम से उन्होंने भी रजिस्ट्रार को लिखा था कि आदिवासी धर्म हो, यहाँ सरना धर्म हो, लेकिन उन्होंने क्या, वहाँ रजिस्ट्रार जनरल ने क्या लिखा, वो कहता है कि इससे कोई लाभ नहीं है इसलिए कोई, और एक तो 123 तरीके के धर्म लिखे हो आप लोग, उतना तो उसमें कालम बनाए नहीं जा सकते, ठीक है हम मानते हैं उतना कालम नहीं बनाए जा सकते, लेकिन उससे लाभ नहीं है। कैसे लाभ नहीं है भाई, ये हमको भुटकाने, ये बताइए लाभ कैसे नहीं है। लाभ इस तरीके से आज कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैसे धार्मिक धर्मगुरु हैं उनको बकायदा राजकीय सम्मान मिल रहा है, उनके जो मंदिर और मस्जिदों में बैठे उनके जो मुल्ला कहें, पंडित कहें, पुजारी कहें, उनको सरकारी खजाने